नमस्कार दोस्तों, आज का जो न्यूज़ है दैनिक भास्कर पटना का 3 जुलाई का, इसमें एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको शेयर करनी है। आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लेना, मैं कोई भी फ़ोटो वोटो खींच के आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पटना का 3 जुलाई का है। फर्स्ट पेज में रेलवे के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन है, इसमें बोला गया है कि नई दिल्ली रेलवे 90,000 पदों के लिए सितंबर से परीक्षाएं लेना शुरू कर देगा, सितंबर से परीक्षाएं लेना शुरू कर देगा और दिसंबर तक लिखित परीक्षा पूरी कर लेगा, यानी कि इस वर्ष के एंड तक परीक्षा जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। लिखित परीक्षा के बाद शीघ्र ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि मतलब इसी साल रिजल्ट भी देगा या फिर जनवरी फरवरी में रिजल्ट देंगे, और जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा यानी कि ग्रुप डी का, उसके बाद सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षण होगा। मतलब ग्रुप डी के रिजल्ट के बाद सहायक लोको पायलट का मेडिकल और साइको होगा, ऐसा ये न्यूज़पेपर बोल रहा है। और अगले साल मार्च यानी कि 2019 मार्च में तैनाती शुरू कर देगा, यानी कि दोनों ही तैनाती 2019 मार्च में शुरू कर देगा। रेलवे सूत्रों के मुताबिक सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन के 26,502 पदों और लेवल वन यानी पुरानी पद्धति के अनुसार ग्रुप डी के 62,907 पदों पर कुल 2,37,00,000 आवेदन मिले, जिनकी छटाई चल रही है। आवेदन को 3 स्तर पर जाँचा जा रहा है और आवेदन की जांच का काम 10 जुलाई के आसपास तक पूरा हो जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसका मतलब कि 10 जुलाई तक जो है वो एडमिट कार्ड का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बस उन्हें एडमिट कार्ड जारी करना है और इस वर्ष के लास्ट तक दिसंबर तक वो सारे एग्ज़ाम ख़त्म कर देंगे और अगले वर्ष 2019 में मार्च में वो सभी नियुक्ति दे देंगे, इस न्यूज़पेपर का कहना ऐसा है। अगर ये बात सच होती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और मज़ा आ जाएगा फिर तो। आज के इस वीडियो में इतना ही था, इस पेपर को ज़रूर डाउनलोड करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, दैनिक भास्कर का है और दैनिक भास्कर 3 जुलाई का है, ठीक है। फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये डेट है इसमें लिखी हुई है, शायद उल्टा दिख रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और ये दैनिक भास्कर पटना का है, आप ऑनलाइन में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी इसके ऊपर बहुत सारे लोग अभी वीडियो बना देंगे फ़ोटो खींच खींच के, पर मेरा आइडिया वो फ़ोटो खींचने वाला नहीं है, मैंने करके देख लिया। आप लोगों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं भी और लोगों जैसा बनाता हूँ वीडियो पे, ठीक है। तो समझ लेना अच्छे से क्या बोला गया है न्यूज़पेपर में, और मैं न्यूज़पेपर पे उतना विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हम लोग भी आपको बताते हैं और न्यूज़पेपर भी सूत्र के ही मुताबिक बताते हैं, तो जो न्यूज़पेपर के सूत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे बेहतर होते हैं, लेकिन वो गलत न्यूज़ छापते हैं, बस इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा आता है। और ये न्यूज़ अगर सही होती है तो हमारे लिए अच्छा है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम।